हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, बढ़िया है? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए, है ना। अच्छा, तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट खैर तो दिया ही होगा, पिछला कल वाला मॉक टेस्ट तो बढ़िया गया था ना? बढ़िया गया था और बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, अच्छा लगता है ना। देखो, मॉक टेस्ट क्या होता है ना, आपको स्पीड बनाना सिखाता है, आपको एक्यूरेसी सिखाता है, आपको दिखाता है कि आप कितना गलत करते हो, कितना सही कर सकते हो, आप कितने पानी हो, अगर डायरेक्टली पूरी बात का निचोड़ बोला जाए तो ये दिखाता है। अब मॉक टेस्ट को ऐसा मत समझ लिया करो कि भैया मॉक टेस्ट क्लास है, जैसे आराम से बताएंगे सर, ठीक है, नहीं आया सर रिपीट करो, नहीं। मॉक टेस्ट मतलब आप अपना बताइए कितना आपके नंबर आ रहे हैं, आप करिए उसको, जो चैप्टर नहीं पढ़े उसको छोड़िए, आपको कम से कम पता होता है कि आप इतने नंबर अभी फिलहाल पा सकते हो। आप देखते हो कभी भी कोई भी टूर्नामेंट कहीं पे भी कुछ हो बड़े लेवल पे, तो हमेशा इसी चीज पे जज किया जाता है कि आज के दिन में क्या सिचुएशन है किसी भी चीज की, तो उसी हिसाब से आप भी मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह किया करिए। लेकिन यूट्यूब पे कैसे होता है, मॉक टेस्ट के नाम पे जैसे कि क्वेश्चन कराए, सॉल्यूशन कराए, नहीं समझ में आया रिपीट करिए, ये मॉक टेस्ट नहीं हुआ बेटा, ये तो बस सॉल्यूशन हो गया एक तरीके का। एक्चुअल मॉक टेस्ट आज मैं करवाऊंगा, आज असली में आपका मॉक टेस्ट होगा। यानी कहना क्या चाह रहे सर आप, आज के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके के होंगे, थोड़े से लेवल अप, नहीं नहीं ज्यादा, थोड़े से ज्यादा अप रहेंगे, पेपर थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन मैं आपको कम टाइम ही दूंगा उसको करने का, जितना होना चाहिए उतना ही दूंगा, उतने में आपको करना पड़ेगा। चाहे आपके सामने 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पाए सही या जीरो नंबर पाए, उस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जेन्युइनली खुद से सॉल्व करेंगे और आराम से क्वेश्चन आता जाएगा और लास्ट में इसका सॉल्यूशन आंसर में बताऊंगा, ओके? लेकिन अभी आपका क्वेश्चन आपके सामने, तरीका क्या रहेगा सुन लेंगे आप सभी लोग। आज की क्लास का तरीका मॉक टेस्ट का बिल्कुल जेन्युइन वाला रहेगा, जैसा रहना चाहिए और जैसा पेपर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, आप सभी को सॉल्व करना, टिक लगाना अपने कॉपी में, अपने कॉपी में लिखेंगे आप सभी लोग आपका ये सही ये सही ये सही ये सही, और फिर लास्ट में मेरे आंसर से आप मैच कराएंगे आपके कितने आंसर मैच किए, ओके? तैयार है सभी लोग? चले तो शुरू करते हैं सभी लोग आज का मॉक टेस्ट, बिल्कुल यूनिक तरीके से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, मतलब ऐसा मॉक टेस्ट तो इस तरीके से तो नहीं किए होंगे आप कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके? चलिए, लगेगा आपको, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमिंग आपके सामने, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ओके ओके। एक मिनट दे दे, दो मिनट दे दे, एक मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, एक मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना सबको, देखते कौन कौन करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कोशिश करेंगे करने का। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपसे प्रोजेक्शन पूछा है, यानी क्या पूछा है, प्रतिबिंब पूछा बेटा, प्रक्षेप पूछा, जिसको दूसरे भाषा में कभी कभी प्रक्षेप भी लिखा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए सभी लोग जल्दी से, बिल्कुल 34 सेकेंड और बचा आपके पास, बिल्कुल यूनिक तरीके से करेंगे। मुझे पता ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं फील कराना चाह रहा हूं कि मॉक टेस्ट यही होता है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप टिक लगा, चलिए मैं लास्ट में बात करूंगा इसके बारे में, अगर यही सॉल्व कर दूंगा तो फिर कोई वो नहीं रहा, मॉक टेस्ट नहीं रहा, फिर तो पेपर सॉल्यूशन हो गया एक तरीके का। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कर लियोगा, मुझे नहीं पता भाई साहब ए बी सी डी जो बोलना बोलो ना, मुझे नहीं पता, आप बस अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, टाइम ओवर आपका, पहला क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो गया, अब इसका रिजल्ट आंसर लास्ट में बताएंगे ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको करेंगे जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से करेंगे। चलिए, एक मिनट पे बंद हो जाएगा, यानी जैसे यहां 60 होगा तुरंत आप बंद कर, 12 सेकेंड हो गया, 13, 14, हर क्वेश्चन पे एक मिनट दूंगा, जो तगड़ा वाला रहेगा उस पर 1.5 मिनट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ओके? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है, बीएसएफ आर ओ आर एम वाले बच्चे अगर आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सबसे होना चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, आप किसी भी की तैयारी करते हैं तो ये आपका अवकलन समीकरण का प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर आ चुका है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, पिछली बार आया था आपकी बार ना, आपकी बार आया था, और ये मैं मॉक टेस्ट में करवाया भी था सेम क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूँ जो भी करवाता हूँ उसको देखा करो क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लाता हूँ, बहुत मेहनत करके एकदम अंदर से घुस के लाता हूँ, जितने नए क्वेश्चन मार्केट में कोई नहीं कराता होगा वो आपको मैं मेरी क्लास में पाओगे, काफी मेहनत करते हैं इसके लिए ना। चलिए,
खैर टाइम ओवर, ओके इसका भी टाइम अप हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट, आंसर अपने कॉपी में लिखते चलेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल अलग तरीका अपनाया हूं और यही जेन्युइन तरीका सच बताऊं तो, इसके लिए भी एक मिनट सफिशियंट है, एक मिनट मोर देन सफिशियंट है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इन्होंने इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दिया और कुछ नहीं बोला। अगर आप प्रोबेबिलिटी कभी पढ़े तो इंडिपेंडेंट इवेंट को बहुत बारीक से अच्छे से जानते होंगे, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र आयोजन या स्वतंत्र कार्य, जो भी। पीए आपको दे रखा है, पीए यूनियन बी का रिलेशन दे रखा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे पीए यूनियन बी क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा झुक जा रहा हूँ, ये लिखा है, थोड़ा सा देखेंगे, ये लिखा है 2PB, ओके माइनस ऑफ पीए लिखा है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप कहिए तो, इसका हिंट मैं थोड़ा सा दे देता हूं। याद रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है बेटा, पीए इंटरसेक्शन बी आपका पीए इंटू पीबी हो जाता है, क्या हो जाता है, पीए इंटू पीबी हो जाता है, बस इतना हिंट काफी है, इतने में तो धुआं काट दो गया। चल कर लीजिए, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, इतना, चलिए 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके हो गया, आगे बढ़ा जाए, सफिशियंट इतना, बहुत बढ़िया। जिसका जो आ गया बस कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू e के पावर में 2x एट द पॉइंट 0, 1। आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण कोई भी कर सकता है, कैसे आता है, इसके स्लोप से है कि नहीं, जो इसका स्लोप आएगा वही इसके स्पर्श रेखा का आएगा, दोनों एक ही चीज होती है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। आपको एक पॉइंट दिया बेटा, इक्वेशन बनाना है, स्लोप क्या होता है, एक क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है, टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना, एक पॉइंट दे रखा है आपको, स्लोप निकाल लीजिए m, m निकाल लीजिए स्लोप, कैसे आएगा सर, डिफरेंशिएशन से आएगा, इतना ज्यादा हिंट भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते, इतना सफिशियंट है इसके लिए, ओके मोर देन सफिशियंट है, 50 पे बंद कर दूंगा मैं, इतने में हो जाना चाहिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा टाइम दूंगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो आप सभी लोग हल करिए इसको जल्दी से, इसको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा कैलकुलेशन के लिए आपके लिए, बट इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस टाइप के तरीके को मैं आपको सिखाया हूं। कभी भी नीचे dx अपॉन में कुछ भी आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप का हो, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, बट एक चीज बताया था जिससे आपको इसको ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा, फिर आपको टी मान लेना है। सर यहाँ पे क्या है, 2 2 प्लस है, सिर्फ एक ही ले लीजिए ना, एक को हटा दीजिए, चलिए सभी लोग लिखते चलिए अपना आंसर फटाफट से, हो गया होगा अब तक मेरे हिसाब से, ये तो आंखों ही आंखों में हो जाएगा, हेल्प कर दू हल्का सा, कुछ नहीं करना बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बनेगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको 3 cos² x बना सकते हैं, 3 हो जाएगा 4 बन जाएगा, 1 इधर ये 3 दे देगा। अब नीचे अगर कभी भी sec स्क्वायर एक्स होगा तो क्या करेंगे, उसको 1 plus tan² x लिखेंगे, और जैसे 1 plus tan² x लिखेंगे, फिर tan x को t मानिए, सॉल्व करिए। चलिए काफी टाइम हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, द प्लेन दिस मेक्स एन एंगल साइन इनवर्स अल्फा विद एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी ये 3D का क्वेश्चन है, एक समतल है जिसका समीकरण इन्होंने दे रखा है 2x - 3y + 6z - 11 = 0। ये बोलने की आपका जो एक्स अक्ष के साथ ही साइन इनवर्स अल्फा बना रहे हैं, तो भैया बता दीजिए अल्फा का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, साइन इनवर्स अल्फा बना रहे हैं, साइन अल्फा नहीं बना रहे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, खैर उतना भी दिक्कत नहीं करेगा ये, चलिए कैसे करेंगे, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उससे कॉस इनवर्स अल्फा आएगा, साइन इनवर्स अल्फा क्या आएगा,
एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा लिखा है, कॉस इनवर्स अल्फा नहीं लिखा। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ बता देंगे। बताए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है तो कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सिंपल सा क्या था इसमें, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना, वाई लॉग वाई। अब दोनों तरफ आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बोरिंग महसूस हो सकता है, आपको पसंद नहीं आएगी क्लास, लेकिन तरीका यही मॉक टेस्ट करने का। आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आपके साथ, बहुत बेहतरीन तरीका। यह तो खैर मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी ज्यादा है। क्या पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, उपसमुच्चय पूछ लिया आपसे, उपसमुच्चय पूछ लिया यानी कि सबसेट। एक क्वेश्चन बीच में मिसिंग था ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, बाद में करते। चलिए जल्दी से बताइए, उपसमुच्चय क्या होता है बेटा, टू के पावर एन होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, दो से पांच तक देख लीजिए। आइए आगे चलते, 30 सेकंड बहुत है। नेक्स्ट, एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, आपसे पूछा एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी पूछता बेटा कितना हो जाता, एन ए क्रॉस बी कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पता नहीं। चलिए सफिशियंट टाइम है, बहुत है, इतना तो बहुत है, आगे चलिए, 25 बहुत है। नेक्स्ट इसको करिए, प्रांत बताना आपको, डोमेन जल्दी से बताइए। ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे, ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे, ये दोनों क्लोज है बेटा, दोनों ओपन है, ये दोनों क्लोज है, दोनों ओपन है, ठीक है, बढ़िया, ब्रैकेट बढ़िया दीजिए, जल्दी से करिए। प्रांत में क्या क्या चीज देखते हैं जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन सा चीज, चार से पांच चीज बताया। पहला क्या देखते हैं, रूट देखते हैं, रूट के अंदर का चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे का चीज कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा बेटा लॉग, लॉग के साथ कोई भी फंक्शन हो, लॉग एफ एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चौथा साइन इनवर्स एक्स या एफ एक्स, ये हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, और कॉस इनवर्स साथ भी होता है। लॉग के साथ तीन के एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा पढ़ लेते जी एक्स आ जाता है, तो ये जी एक्स का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये कभी भी वन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी केसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये हो भी चुका होगा मेरे हिसाब से, है ना, सफिशियंट इतना टाइम, एक मिनट बहुत है। चले आगे चलते, टिक लगा लेंगे आप सभी लोग, लास्ट में मिलाएंगे हम सभी लोग आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसको करना चाहते तो मुश्किल से 10 सेकंड है, मुश्किल से 10 सेकंड का, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है। अगर नहीं याद है तो भाई साहब ये एक मिनट का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये वही चीज है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हो चुका होगा, ठीक है, जो करने वाला वो कर लेगा। प्रॉपर्टी क्या है बता दे रहा हूं मैं, मॉड ऑफ जेड कभी भी पूछे, मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दे जेड वन जेड टू अपॉन में जेड थ्री, ऐसे दे दे कंप्लीट मॉड, तो याद रखना आप जेड वन का अलग मॉड निकाल लो, जेड टू का अलग मॉड निकाल लो बेटा, जेड थ्री का अलग मॉड निकाल लो, जो यही देगा वही यही देगा, यही प्रॉपर्टी था इसका, सफिशियंट टाइम। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। cot of pi by 4 plus theta into cot of pi by 4 minus theta, बता दीजिए इसका वैल्यू। आप चाहे तो फॉर्मूला लिखा दें या तो चाहे तो tan में चेंज कर दीजिए इसको 90 से करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 45 सेकंड में बंद कर दूंगा इसको मैं, क्योंकि टाइम आप जितना बचाएंगे दूसरे अच्छे क्वेश्चन में तभी तो टाइम बढ़ाऊंगा, अदरवाइज फिर तो सब में अपने मन का टाइम ले लीजिए। यही तो होता रेगुलर मॉक टेस्ट में, या आप जब बैठते घर पे प्रैक्टिस करने ऐसे ही तो करते, बट ऐसे काम नहीं चलेगा ना, जितना टाइम उतने में करना उसको, उस क्वेश्चन का टाइम ही ड्यूरेशन वही है। चलिए हिंट दे दे, इसको आप पाई बाय टू से चेंज कर सकते थे,
आराम से आ जाएगा। अब आंसर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा ना, किसी का नहीं बताया, इजी से इजी का नहीं बताया, टफ से टफ का नहीं बताया, क्योंकि वो मकसद ही नहीं है। आइए करिए, देयर आर, दीज नहीं लिखा बेटा, वो देयर लिखा, ठीक है, देयर, देयर आर, देखेंगे आपसे, ओके, ये देयर, चले टाइम वापस बढ़ा दे रहे क्योंकि मैं सामने खड़ा था। देखिए, देयर आर फोर बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड फोर बॉक्सेस ऑफ कलर सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल वन इन ईच बॉक्स कुड बी प्लेस सच दैट अ बॉल डज नॉट गो टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे अगर मैं आपको दो मिनट दूंगा तो भी नहीं कर सकते आप। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है कोई कर पाए इसको, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, या तो छोड़ दीजिए बेहतर रहेगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो कुछ लोगों का अंदाजा आ जाएगा, एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये वही कर सकता है जो पहले किया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, या यही क्वेश्चन एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक अलग यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका एक अलग ही इक्वल यूनिक क्वेश्चन है। तो अगर इसके लिए मैं कितना भी टाइम दू ये कम ही पड़ेगा, फिर भी दे देता हूं, मान लीजिए कर रहा कोई तो कर लीजिए। हो गया, एक मिनट, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, पांच सेकेंड, छह सेकेंड, सात सेकेंड, आठ सेकेंड, चलिए हो गया, नहीं हुआ, अभी हो भी नहीं पाएगा ये, ओके, गलत आंसर मत लगाइए। जो भी आपका आंसर आप कॉपी में लिखिए, मुझे मत बताइए, ठीक है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ओके, सफिशियंट है। हिंदी क्या लिखा, विभिन्न रंगों की चार गेंदे और गेंदों के समान रंग के चार बॉक्स है, दोनों गेंदों की संख्या प्रत्येक बॉक्स में एक को एक इस तरह रखा जा सकता है कि गेंद अपने रंग के बॉक्स में न जाए। चलिए, आप टोटल में से भी वो वाला माइनस कर सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते, ओके, इसको करिए जल्दी से आप लोग, इजी क्वेश्चन है ये, आपको मिडल टर्म बताना है, कितना टाइम लगेगा इसको करने में जरा बताइए तो, मुश्किल से, अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो 30 सेकेंड, कैलकुलेशन नहीं तेज है तो एक मिनट भी खाएगा। मिडल टर्म, बीच वाला पद, कितने पावर है, 9 है, यानी कि ऑड है। विषम घात में क्या होता है मिडल टर्म, याद है, दो टाइप के मिडल टर्म होते हैं, एक होता है n बाई टू और क्या होता है n बाई टू प्लस वन, दूसरा क्या होता है n प्लस वन बाई टू, यही होता है, कुछ और होता है, फटाफट बताइए, नहीं, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है एन प्लस वन बाई टू, एक होता है एन प्लस थ्री बाई टू, ये दो मिडल टर्म होते हैं, और एक कौन सा होता है, अगर इवन होता है तो ये ऑड होता है तब, ठीक है, ऑड होता है तो यह कुछ होता है, और इवन होता है तो, फटाफट बताइए, इवन होता है तो एन बाई टू प्लस वन, ओके, एन बाई टू प्लस वन, कब इवन होने पे, तो यहां पे ऑड है कौन सा लग जाएगा, यही नीचे वाला लग जाएगा। अब क्या आएगा लगाने के बाद देख लीजिए कैलकुलेशन, अगर कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, आप करते चलिए बस, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त लेवल का है, आप इसको कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा लेवल आपको मॉक टेस्ट रियली में एग्जाम में ही दिखेगा, जैसे आपने एयरफोर्स का एग्जाम दिया कभी, पिछली बार वाला दिए होंगे तो आपको एहसास होगा हवा भी नहीं लग रही थी, फिर आप कह रहे थे कि इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन, वो तभी शिकायतें रह जाती जब हम अच्छे क्वेश्चन नहीं लगाते। तो मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करने उतरे हैं तो आप लेवल क्यों देख रहे हैं कि ये टफ पढ़ रहा है ये इजी पढ़ रहा है, आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकालना, और उस एग्जाम के निकालने के लिए आप क्या करते, साल भर मेहनत करते खूब, और जब मॉक टेस्ट की बारी आती, जब क्वेश्चन लगाने की बारी आती तो आप इजी ढूंढते हैं, कहते वन लाइनर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या फायदा एक साल पढ़ने का आपका, है ना, नहीं लग रहा वो अलग चीज होता है, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि ये आपको करने हैं, यहां नहीं करने, एग्जाम में करने, लेकिन करने हैं आपको बेटा, करने तो 100% है। द सम ऑफ एम एंड जीम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेहतर है, सफिशियंट है, आगे बढ़िए, स्टार्ट टाइमर। द सम ऑफ डिस्टेंस, अगर आप थोड़ा सा भी क्लास को मेरे सीरियसली लिए होंगे तो एलिप्स में हमेशा आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट देता हूं, हमेशा एक रुमाल से कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कभी देखे या तार से सिखाता हूं, याद है, क्लास देखिए कभी एप्लीकेशन की, कंटेंट की, यहाँ पे दो तार रख के एक डायग्राम बनाता हूं, फिर वहां पे मैं लिखवाता हूं कुछ,
ये उसी पे क्वेश्चन है और ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी आया, नेवी में भी आया। द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स ऑफ, यानी ये जैसे मान लीजिए कोई एलिप्स बन गया, ठीक है, पहली चीज अगर सॉल्व करना चाहते हैं 8 हो जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर 6 4 24 6 = 0, तो यही एलिप्स बनेगा। यहां से बोल रहा है कि कोई भी रैंडम पॉइंट ये ले लीजिए, तो इसका डिस्टेंस कितना, मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये मान लीजिए पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये पी प्लस क्यू के बारे में पूछना कितना होगा, मुझे नहीं पता, आप सभी लोग करके बता दें। चलिए ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ा है क्लास अच्छे से लिया होगा वो तुरंत कर ले जाएगा, अदरवाइज परेशान रहेंगे उसमें आप। इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50, 30 से 20 50 का क्या, यदि 30 में से 50 प्रेक्षणों के विचलनों का योग 50 है तो इन प्रक्षेपणों का माध्य क्या होगा। वाह क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप अपने दिमाग से लगाएंगे बहुत इजी है, फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे फॉर्मूला ढूंढते रह जाएंगे, इसमें ये फॉर्मूला मिल जाए वो फॉर्मूला मिल जाए, ओके बहुत इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। बड़ा ही सिंपल सा चीज है, समेशन ऑफ, ये दे रखे आपको एक्स आई माइनस ऑफ 50 से डेविएशन निकाले, डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, नहीं 30 से निकाले 30, ये दे रखे हैं, कितना दे रखे बेटा 50 दे रखे, और वही 50 है तो i इज इक्वल टू 1 से 50 है, तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज 50 ऑब्जर्वेशन आप बना लीजिए अपने मन से x1 x2 करके, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलिए, कर लेंगे, करने लायक क्वेश्चन है, छोड़ने लायक नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 10 बार बोलता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे छूट रहा है मतलब आप पढ़े ही नहीं, क्लास नहीं लिए मेरी सही से, अगर मेरा क्लास लिए होंगे आप, इनवर्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते, जितने भी आपके एग्जाम में आते अप टू आपके एग्जाम के लेवल तक, एनडीए तक की बात कर दूंगा मैं, है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं और बहुत इजी वे में आपके सामने डिलीवर कर देता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता कितना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट को आपको धूल बना देता हूं, लेकिन वही चीज है। चलिए आइए जल्दी से करिए सभी लोग, तो देखो बाबू यहाँ कॉस है या टेन इनवर्स है, कटेगा ही नहीं, तो इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना दो पहले, कैसे करके, कैसे ट्रायंगल से नहीं करते, ये एक्स हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स जाएगा, जो भी बनेगा कॉट इनवर्स में होगा, बाहर साइन है, तो इस कॉट इनवर्स को फिर साइन इनवर्स से बदल दीजिए, साइन साइन इनवर्स चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आएगा हमें नहीं पता, आप टिक लगाइए, अपना कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तुरंत सॉल्व होगा। चलिए सफिशियंट टाइम है, इतने में करना होगा आपको एग्जाम में, ठीक है, इतने टाइम में आपको करना होगा बेटा, आइए इसको करिए। जल्दी से करिए, कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो बच्चों का खेल है आजकल, इसका रो है कॉलम के साथ बारी बारी कर, फिर जो भी आएगा उसके साथ इसको कर देंगे, और ओवरऑल देखा जाएगा तो 1x1 का बनेगा, ठीक है, इतना मैं बता दूं, बहुत मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ओके चलिए ठीक है, काफी टाइम है, इतना बहुत है, इतना बहुत है भाई साहब, 45 बहुत बढ़िया, आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, यानी कि क्या गैर तुच्छ समाधान है, तो ए का मान बता दीजिए भाई साहब, गैर तुच्छ समाधान है, इक्वल टू के दर वाला टर्म 0, यानी ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल की बात करेगा, है ना, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन याद है ना। चलिए क्या करना होगा, डिटरमिनेंट 0 करना होगा शायद ना, कुछ ऐसा ही करना होगा, डिटरमिनेंट किसका गुड़ो 0, इनके गुणांकों का 1a - 1 कितना हो जाएगा 2 - 1a, a 1 2, ऐसे कुछ हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ए को हल करना होगा शायद, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है नॉट इक्वल टू 0 वाला हो, है ना, ट्राइवियल है देख लो, नॉट इक्वल टू की तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आ गया ये ठीक है, बहुत है इतना, इतना बहुत है सर, सर सर हो ही रहा था, मुझे मतलब नहीं उस चीज से, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी देगा एग्जामिनर, अलग से टाइम थोड़ी आपके लिए बनेगा पेपर, सबके लिए उतना टाइम बहुत है, जो करना रहता है एक सेकेंड में होता है, वो ऑप्शन से भी जुगाड़ लगा देते कभी कभी, डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करने से बेहतर ऑप्शन भी करवा सकते हैं। 5 - 2x / 3 < x / 6 - 5,
एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए, कैलकुलेशन फटाफट होना चाहिए, ब्रैकेट का भी ख्याल रखेंगे, हालांकि ब्रैकेट यहां परेशान नहीं करेगा आपको, कभी भी करे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चले ठीक है, हो गया, क्योंकि कुछ इसमें बताने वाला नहीं था तो मैं बता भी नहीं रहा हूं। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखे सभी लोग, ये लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, इजी सा क्वेश्चन, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखा हूं क्योंकि इसमें का मैं बहुत क्वेश्चन कराया हूं। आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट होता बेटा वही याद रहना चाहिए और उसी से ये क्वेश्चन होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। चलिए जल्दी करिए, सिंपल सा पंगा था, कुछ भी नहीं था यार। 4x से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको 1 बना दीजिए, 2x इसको कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से इसको कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या ही क्वेश्चन था। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 24, और ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, सभी लोग करिए जल्दी से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है बेटा, एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको लेवल अप लेके चलता हूँ मॉक टेस्ट में हमेशा, इसीलिए कल कराया था, इजी कराया था, तो आप खुश हो जाते हैं, और जब अच्छे क्वेश्चन देते हैं तब आपको परेशानी होती है, बहुत गलत बात है। आप तैयारी करने आए सभी लोग, तो तैयारी करने के मकसद से पढ़िए। मुझे याद है एनालिसिस करने के बाद, एक बार रेलवे का पेपर हुआ था, एनालिसिस होने के बाद बच्चे आए थे, मतलब ऐसे बोल रहे थे ऑनलाइन बहुत इजी कराते ये वो, एक्चुअली आप पसंद ही नहीं करते, आप खुद ही देख लीजिए अच्छे क्वेश्चन में क्या होता है, आप पसंद ही नहीं करते, आप चाहते हो आपके हिसाब से क्वेश्चन आए, है ना, तो ये गलत चीज है। जब आपको कोई अच्छे क्वेश्चन कराए जो आपसे नहीं लगे, यानी वही क्लास लेनी, वही सीखना है, जिस क्लास में आपसे सारे क्वेश्चन लग जाए उस क्लास को छोड़ देना, क्योंकि वो फिर बेकार है ना आपके लिए, वही चीज आप बार बार देख रहे हो जो आपको आता है ना। जिसमें आपको दिक्कत हो, परेशानी हो कि सर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तब उस क्लासेस को आप देखा करो, क्या तभी तभी तो आप सीखोगे, वरना कैसे सीखोगे। तो इसका काम तमाम, ठीक है, कर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। आइए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें गलत था तो उसको हटा दिया था मैंने, अच्छे क्वेश्चन से बेटा लाते हैं तो उसकी इज्जत करिए ना, अच्छे से पढ़िए और तभी आप सीख पाएंगे, और आपका मकसद है अभी सीखना, अभी यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं कि आप हीरो बनेंगे या यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा या चीटिंग मार के कर लिए ऐसे कर लिए, कोई इंप्रेशन इज जीरो, ओके, यू आर इन लर्निंग पीरियड, आप अभी सीखने की घड़ी में हो। चलिए कर लिया सबने, चलिए बहुत काफी टाइम है, अब हम इसके आंसर्स की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग मैच कराएंगे बेटा, कितने आंसर आए आपके, ठीक है, सभी लोग मैच कराएंगे, अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत एरर रहा हो तो आप सभी लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलिए तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर इसका, जिसमें से आई थिंक 4 वाला गलत था, 4 वाला मतलब मिसिंग था, नहीं था आपके पास, सभी लोग मैच करा, ओके, मैं एक बार देख रहा हूं कौन वाला मिसिंग था, 1, 2, 1 है, ये 2 है, 3 मिसिंग, ठीक है, 3 मिसिंग है बेटा, 3 वाले को छोड़ के बाकी सबको आप देख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, पहले वाले का किसका किसका ए आया जल्दी से बताए फटाफट से, दूसरे का सी किसका किसका मैच कर रहा है, चौथे का डी किसका किसका मैच कर रहा है, पांचवें का सी, छठे का सी, सातवें का सी, किसका किसका यहां तक सही है जल्दी से बताइए, इन 6 क्वेश्चन में किसका किसका सही है। बात करते अगला, 8वें का डी, 9वें का डी, 10वें का ए, 11 का बी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का सी, इन 7 में से आप में से कितने लोगों का पूरा सही है, कितने लोगों का 2 सही, कितने लोगों का 1 और कितने लोगों का 0, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में अगर आप 1 नंबर भी पाते हैं तो भी आप अपने आप को रिलैक्स फील करिए कि कम से कम आप पार्टिसिपेट किए, वरना लोगों की हिम्मत नहीं ऐसे मॉक टेस्ट देने की। बात करेंगे 15 क्वेश्चन की, इसका बी सही है, 16 का सी, 17 का ए, 18 का सी, 19 का ए, 20 का सी, 21 का बी, इन सभी में से आप कितना सही किए जल्दी से बताइए, हर एक रो का बताइए, हर एक रो का बताइए। ओवरऑल हम लोग देखते हैं फिर, 22 का आपका बेटा डी है, 23 का डी है, 24 का सी है, 25 का आपका डी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, एग्जामपुर
ऑफिशियल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल देखिए ये रहे 25 के 25 आंसर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए, एक नंबर आए, जीरो आए, दो आए, माइनस में आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, कितने आए, माइनस मार्किंग हटा दिए, जीरो लेके चले मिनिमम, ठीक है, गलत हुआ तो जीरो, कितने सही हुए आपके, प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताइए और ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि मेरे इतने सही हुए, ताकि मैं रिप्लाई आपका दे सकूं कि वो कैसे बढ़ेगा आपका नंबर। ओके, अब हमें मजबूती के साथ बेटा उतरना है वापस से, ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से आपको लेकर आएंगे मॉक टेस्ट का पूरा रो, और हर मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चन, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपके सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इन्हीं मॉक टेस्ट से देखने को मिले। ओके, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था, तो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों ने सामना किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, खैर ये दिक्कत होता है पहली बार में, तो उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे ऐसे लेवल को देखते। अब इसका सॉल्यूशन का क्या होगा, पहली चीज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो वापस से आप सॉल्व करेंगे, दूसरा चीज इसका सॉल्यूशन मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, आधा घंटे में वीडियो पेन टैब से आप वहां पे अपना मैच करा लेंगे तरीका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा या फिर लाइव ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा अभी तेजस बैच हमारा चल रहा है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे बैच मिलता, वहां से आप देख सकते हैं, साथ ही साथ कोई दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे तेजस बैच चल रहा है बेटा एयरफोर्स के लिए, बहुत ही जबरदस्त बैच, तो आप सभी लोग इस बैच को आज ही ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑफर के साथ चल रहा है, ठीक है, जबरदस्त ऑफर चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है, दिवाली 75 लिखने से, ठीक है, दिवाली 75 लिखने से बेटा इस पे आपको 75% का भी ऑफ चल रहा है, तो आप सभी लोग इस बैच को ले लीजिए और 75% ऑफर का फायदा उठाइए, वरना दोबारा 75% ऑफर नहीं होगा। कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जय हिंद जय भारत। ना यूट्यूब बंद कर दीजिए।